हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो भाई आज है 19 तारीख और छठ पूजा है अंशु की। मम्मी करती हैंगी छठ पूजा, तो आज हम जा रहे हैं इसके घर पे जा रहे हैं। अभी पहले जा रहे हैं दो घाट देखने, गांधी आश्रम और जेल चुंगी। वहाँ पे घाट बना रखे हैं, वहाँ देख के आने कैसे कैसे बन रहे हैं, फिर जौन सा बढ़िया होगा उसमें जाएंगे। अभी अंशु स्कूटी चला रहा है अपनी, सुबह सुबह लेके जा रहा है मुझे दिखाने के लिए घाट। और इसकी मम्मी जो है घर पे कर रही है खाने की प्रसाद की तैयारी। अभी वहाँ जाके भी दिखाऊंगा कैसा बना रही है। अभी अंशु यहाँ से ले रहा भाई माला, गेंदे की दो माला ले ली है। ये हमारे नई सड़क पे फूल मार्केट लग जाती है। माला तो ले लिया अंशु, अब चलेंगे यहाँ से फल लेने। तो अब लेने जा रहे हैं भाई फल, माला तो ले लिए, फल लेने के बाद जाएंगे सीधे घाट देखने। घाट जाएगा देखने पहले या फिर वहाँ जाएगा घर? पहले घाट जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, सामान रखेंगे, देखेंगे आंटी क्या क्या बना रही है बढ़िया बढ़िया खाने में। क्या क्या बनना है अंशु? तो यह प्रसाद बन रहा है। क्या प्रसाद बनना है? अरे एक तो वो बन रहा है, वो सूजी और मैदे की बनती है ना वो। अच्छा, पता नहीं क्या बनता है भाई, देख अब जाके देख के बताऊंगा, मुझे भी पता क्या बनता है सूजी और आटे का। तो अब घर जाके पैसे लेगा अंशु की क्या बनाया आंटी ने। तो वीडियो बने रहो, जिस जिसके घर पे छठ पूजा होती है वो कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को। पहुंच गए हैं जेल चुंगी वाले कुंड पे, यहाँ पर तैयारी चल रही है, अभी सज रहा है और साइड बना हुआ है कुंड, अभी दिखाता हूँ। ये रहा भाई यहाँ बना रखा है, पानी वानी भर रखा है और अभी तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो ये बन रहा है भाई, यहाँ पे खड़े होंगे जितने भी औरतें आएंगी, आंटी भी आएंगी यहीं पे। तो भाई जेल चुंगी पे आ गए हैं, मेरा फल ले लें यहाँ से, उसके बाद निकलेंगे गांधी आश्रम वाले पर। यहाँ पर तो देख ले कैसा सजरा, अभी सजाई सजरा काम चल रहा है, यहाँ पे तैयारी चल रही है पूरी। तो जैसी होती है अभी थोड़ी देर बाद आएंगे तो फिर देख लेंगे कितनी तैयारी हो गई है। अभी गांधी आश्रम वाले पे भी चलेंगे थोड़ी देर में, फल ले लें उसके बाद। पीछे खड़े हैं भाई पुलिस वाले, अंशु चला रहा संभल संभल के, कहीं चलान ना कट जाए, छठ पूजा वाले दे रहे अंशु, कुछ पता नहीं भाई कदिए रोक ले। अभी जेल चुंगी से ले लें फल, उसके बाद घर चलेंगे यहाँ से, उससे पहले गांधी आश्रम। तो भाई अभी फल तो ले लिए, सेब रह गए हैं, ये रहे केले। अभी अंशु या घर चलने पहले इतना सामान रख दे, बाकी का सामान अभी लेके आएंगे दोबारा से। अभी गांधी आश्रम ही चलना है, सेब हम लेंगे अभी वहीं रोड से अपने वहीं घर के पास से। चल दिए, आज पुलिस की सिक्योरिटी बहुत कई टाइट हो रखी है जेल चुंगी पे, क्योंकि पास जेल चुंगी चौक लेके पास ही हो रहा है छठ पूजा का प्रोग्राम मंदिर में। अब वहीं जाएंगे सारे के सारे, वहाँ का भी दिखाएंगे। वीडियो में पूरे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार। तो भाई अभी आ गए हैं अंशु के घर पे, आंटी देखो काम करने में लग रही हैं। ये चांदनी बैठी हुई है मजे से, चांदनी अभी अभी देखने की नहीं जल्दी। हाँ तो ये इसकी मौसी का लड़का है, कल ही से लेके आए थे गाजियाबाद से, एक एरा और एक एरा पीछे। अब दोबारा जा रहे हैं गांधी आश्रम पर, जाना है भाई सेब भी लाने वहाँ से, अब थोड़ी देर चलने जरा। ये साल दे क्या घूम रहा है भाई, ना मैं नहा दो तले सुबह सुबह, इनका दिमाग खराब है। 12 बजे नहीं, 12 बजे नहाएगा इसे, उसमें ही तालाब में डुबा देंगे, गड्ढा कर रखा उसमें नहलाएंगे ले आके। अभी थोड़ी देर में चलते हैं यहाँ से, एक एरी लगी पड़ी है, अब चल रहे हैं थोड़ी देर में। तो भाई अभी गांधी आश्रम पे भी आ गए हैं, यहाँ देखो कैसा बन रहा है, ये पीछे की तरफ भाई यहाँ भरा जा रहा है पानी इन सभी में। अब देखते हैं कौन से आएंगे, आंटी गांधी आश्रम वाले में या जेल चुंगी वाले पे। वहाँ तो छोटा बना हुआ है, यहाँ काफ़ी बड़े बड़े अलग बना रखे हैं। तैयारियाँ चल रही हैं पूरी भाई, चूना वगैरह सब डाल दिया गया है रास्ते पे। तो भाई अब आएंगे आंटियाँ 3 बजे, तभी आएंगे उनके साथ।
देखो किस टाइम तक शुरू होता है यहाँ पे काम। आंटी तो भी बनाने में लगनी है प्रसाद का सारा सामान। हम दोनों कार्ड देख आए कौन सा कैसा आएगा। यहाँ वाला ज़्यादा बढ़िया बना रखा है इनने, यहाँ पे सीमेंट के उसमें आएगा। ये धोबी घाट है वैसे, इसके अंदर ही कर रखा है। अब जा रहे हैं हम फल ले लें, उसके बाद सीधे घर जाएंगे, फिर 3 बजे करीब निकलेंगे दोबारा के लिए। तो भाई अभी सारा सामान ले लिया है, 10:30 बज गए होंगे। सामान लेते लेते और घूमते इधर से उधर। ये आ गई मिठाई, आ गई है, लड्डू ले लिए हैं, सेब भी ले लिए, डिग्गी में रख दिया उन्होंने। अब चल रहे हैं सीधे घर, उसके घर जाएंगे, ये मुझे छोड़ देगा, उसके बाद नाश्ता वास्ता करूँगा। भाई भाई भूख लग रही है बहुत जोर की। ये भी घूम रहा सुबह से ऐसी। अब बस घर चले हैं, उसके बाद 3 बजे जाएंगे जौन से भी जाएगा, ये जेलचुंगी वाले में, गांधी आश्रम वाले में, जिसमें भी कुंड में आएगा, वहीं दिखाएंगे आपको पूरी वीडियो। आंटी ने कर रखी है छठ की भाई पूरी तैयारी। अभी चांदनी धो रही है सेब, सही से दो रगड़ रगड़ के। इतने गंदे नहीं है ये। नहीं, हम तो गंदे लाए थे, मट्टी ना लग रही जो गंदे। देख लाल हो रहे हैं, पीले करी ने, ये लाल ही होता है। तो पीले भी है सब लाल कर, फिर बाकी वो सारे एक ही लग रही है। तो अभी भाई नहा धो के चल दिए नीरागर में अंशु के घर पे। ये चला रहा है स्कूटी अभी। अभी अंशु निकला है नहीं निकला पता नहीं, देखते हैं अभी घर चल के उसके, वहीं पे मिलते हैं। तो भाई अभी आ गए अंशु के घर गली के बाहर, ये सारे आ रहे हैं पीछे। और अंशु को देखो कितना बढ़िया लग रहा अभी, ये भाई टोकर रख के चल रहा है। और आगे चल रही है इसकी बड़ी वाली बहन, बीच वाली, नंगे पैर चल रहा है भाई कावड़ में। उस टाइम कावड़ में चल के आया था कावड़ में। तो कौन से जेल चुंगी वाले पे? तो भाई जेल चुंगी वाले पे चलेंगे, आज सुबह गए थे सबसे पहले। भाई आधा रास्ता रह गया बस, पहुंचने वाले हैं अभी। अंजु थका तो नहीं भाई? थक तो नहीं गया? अब पहुंच जाए वहां पर, कुंड में भी खड़ी होंगी आंटी। रोड पर चल रहे हैं अभी पैदल पैदल, और अंशु और चांदनी चल रहे हैं नंगे पैर। एडवाइजर है हमारे, एडवाइजर, ये एडवाइजर हैं। कुछ एडवाइस गाड़ियों के लिए? अभी फिलहाल गाड़ी की पूजा चल रही है, पूजा चल रही है, ये सबसे महंगा एडवाइजर है हमारा। तो भाई आखिरकार पहुँच गए हैं मंदिर में। ये अंशु, भाई काफ़ी बढ़िया सज गया सुबह से ही, जैसा आया दिखाया था उससे भी बढ़िया सज गया। तो काफ़ी बढ़िया सज गया भाई अब तो। अभी भाई आंटी भी जा चुकी है पानी के अंदर, ये जा रही है। भाई साहब बहुत 11 घंटा हो रखा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है भीड़।
अच्छा ओम महादेव ज्ञानान सामने से ओम गुरु के नाम का देव आज्ञा मदन बताओ तुम तो क्या चाहिए मुझे देना पड़ेगा मुझे जाना पड़ेगा या चलो हमारा हम तो पीछे हो गए भी आएंगे ओम वसुधोद विष्णानांते समर्पयामि ओम भ्रुवस्व ओम भ्रुवसाक्षिन्ये नमः आधारशक्ते नमः वृत्ते नमः कमलासनाय नमो नमः ओम भ्रुवस्व श्रीकर्मसाक्षिन्ये नमो नमः ओम प्राणाय अपानाय अभ्यानाय समानाय विविध्यानान्ते समर्पयामि ओम भ्रुवस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः त्रपदक्षिणाधराधियो ओम हृन्नगरः सुवृत्तागरे भृञ्जान्तपे मानकस्मै देवाय काभिजिम्मा कृताय पूजाय साधुन्याथे आंटी खड़ी हुई है पानी के अंदर और बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है। अब देखो कितनी औरतें खड़े हैं। सूरज डूबने के बाद जाएंगे यहाँ से। संतोष राज मेरे बड़ा भाई उपस्थित है। हमारा अंशु खड़ा हुआ है। प्रार्थना है कि आज के पर्व का बहुत ही भाई यहाँ चला जा रहा है पटाखे भाई। अभी आंटी बाहर निकल के आ गई है, अब घर के लिए चलेंगे। पूजा हो गई आंटी की, अब सुबह आएंगी 3 बजे या 3:30 बजे, तब हम तो आ नहीं पाएंगे। हो गई आंटी की पूजा पूरी। और ये देख सबसे बड़ी दिक्कत है, तो भाई अभी झट पूजा अंशु के यहाँ पे पूजा कर लिए आंटी ने। अंशु अब सामान लेके चल रहा है वापस घर पे। तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं इस व्लॉग का हिम पैंड, अगले व्लॉग में मिलते हैं।